stereotypical commercial masaledar Bollywood film hi hai. It's got our favorite heroes from Sanju sir, Jackie sir, Manisha ma'am, Chunky sir, and our Guddu bhaiya, as we call him now. और ये लखनऊ में शूटिंग हुई थी एंड या इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, ड्रामा, रोमांस सब है इसमें. किरदार का नाम शिवी है और वो एक NRI है, अमेरिका से आती है एक पॉलिटिकल थीसिस पेपर लिखने के लिए. वो इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहती है तो अली से मिलती है और उनके परिवार के वजह से शी सीज ऑल द वायलेंस, भ्रष्टाचार जो पॉलिटिक्स में होता है एंड इट जस्ट ओपन्स हर आईज. एक्चुअली शिवी के लिए मैंने कुछ प्रेपरेशन नहीं की क्योंकि देवा सर चाहता था कि मिलने के बाद वो बोला कि नहीं आप ही शिवी है, आपकी पर्सनैलिटी ही शिवी है. क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत सवाल पूछती थी यू नो कि फिल्म कहाँ शूट होने वाली है, कितने दिन चाहिए, कब शूट करने वाले हैं, ये सब वो सब. तो वो चाहता था कि मैं ऐसे एटीट्यूड के साथ ही आई सेट पे. बहुत मज़ा आया. मैं मेरे हीरोज़ को देख रही थी सामने से, वो शॉट करते रहते थे, वो जोक्स मारते थे और यू नो पता नहीं उनको ऑब्जर्व करके काफ़ी कुछ सीख गई कि अगर यू नो हज़ारों लोग आपके सामने हैं तो फिर भी आपको शॉट ठीक से करना पड़ेगा बॉस, कोई मदद नहीं करने वाला है, आपको ही एक्टिंग करना है. तो वैसे यू नो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया मेरा. आई थिंक चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली, बहुत पुराने दोस्त हैं. बिकॉज जब चंकी सर, जैकी सर, मनीषा मैम और संजय सर सेट पे थे तो हम सब हंसते थे, उनके कहानियाँ हम सबको हंसाते थे. और जैकी सर और संजू सर ऑब्वियसली कुछ ब्रोमांस ही चलता था उनके बीच में. मतलब अगर मान्यता मैम सामने से आके अलग बैठने के लिए नहीं बोलती थी, उन लोग अपने आप इतना बातचीत करते थे और हम सब सुनते थे यू नो और इतना हंसते थे यार वो सब. और जैकी सर तो सब को भिड़ू ही बुलाता है और यार उनका ज़िंदगी का ज्ञान ना आप सबको सुनना चाहिए, ही इज़ गॉट द बेस्ट आइडियाज़ यार. इतनी अच्छी कास्टिंग, यू शुड गेट एन अवार्ड फॉर इट ओनली. आई मीन टू पुट सच अ गुड कास्ट टुगेदर. लेकिन कहानी भी इतनी अच्छी है क्योंकि आई थिंक मेरे करियर में मैं कभी एक मसाला बॉलीवुड फिल्म नहीं कर चुकी हूँ और मैं करना चाहती थी. और जब मैं सोच रही थी, मैनेजर से बात कर रही थी एक्चुअली कि चलो हमें एक मास फिल्म करना चाहिए, प्रस्थानम आ ही गया यू नो. और फिर मैं देवा सर के साथ बैठी, वो पूरा नरेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यू नो ये सिर्फ ऐसे मसाला फिल्म नहीं है जहाँ वो वेरी लाउड वाउड चीज़ है, इट एक्चुअली हैज़ अ स्टोरी, एक अच्छी कहानी है इसके पीछे. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. मेरे किरदार एक NRI है तो वो देवा ही चाहता था कि मेरी हिंदी जो टूटी फूटी है ही और टूटी फूटी बन जाए. सो इट वॉज रियली फनी जब अली मुझे सिखा रहा था, क्योंकि अली को वो लखनऊी एक्सेंट बहुत अच्छे से जानता है एंड ही वॉज टीचिंग मी. तो देवा की बोला नहीं नहीं मत सिखाओ इनको, मत सिखाओ. अली एक एक्चुअली एक खास दोस्त है अब. मैं ऋचा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और जब अली खामोशिया शूट कर रहा था, मैं मिस्टर एक्स शूट कर रही थी, तो विशेष फिल्म में बहुत सारे बार मुलाकात हुआ था. तो हम दोनों को अच्छे तरह से जानते थे लेकिन शूटिंग के दौरान अच्छे दोस्त अभी बन गए. प्लीज़ प्रस्थानम देख लीजिए और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए.